अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी अल्लाह की फसलों में ठीक ठाक खुश रखे हैं, बात रखे हैं। आज मैं शेयर करी थी आप लोगों से दोपहर की रूटीन, तो ये कपड़े धोए थे मैंने। आपको पता है जैसे थोड़े थोड़े करके सूखते हैं, तो मैं कपड़े तय करी थी। मैंने बोला मैं साथ साथ चले अपना ब्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ। तो आज दोपहर की रूटीन थी, अभी दोपहर का 1 बजा है। तो खा नाश्ता वाश्ता करके घर का काम कर नाश्ता वाश्ता करके फारिक हुई थी, तो मैंने पकाने के लिए मंगाया। उसके बाद फिर मैं कपड़े समेटने बैठ गई, हस्बैंड बच्चों के अपने कपड़े अलग कर रही थी, तो आसानी से तय करके बक्से में रख दूँगी। धुल चुके हैं, अलावा बहुत हो रहा था, काफ़ी पड़े हुए थे कपड़े, तो मैंने बोला ये करती हूँ, फिर थोड़े से रह गए, तो वो एक दो मैंने 2-3 छूट फैला दिए थे। जिस तरह कपड़े सूखते हैं मैंने बोला आप लोगों को मैं दिखाती हूँ, आप लोग साथ शेयर करती हूँ। तो अभी मैं कर रही थी ये काम, तो थोड़ा टाइम लग गया था इसमें मुझे, क्योंकि दोपहर में ये होता है कि आज लाइट नहीं सुबह से, गाइस लाइट से हम बहुत परेशान हो रहे हैं। सुबह से लाइट ली थी 11 बजे की, और अभी देखें 1 बजने को है, 1 बज रहा है, लाइट का कोई पता नहीं कब आएगी, और शाम तक सुना है कि शाम तक आएगी। तो जाहिर है काम तो करने है ना घर के, वो तो खैर रुक नहीं सकते ना। तो मैं कपड़े तय कर रही थी, मैंने बोला कपड़े तय करते करते आप लोग को दिखाऊँ। तो अभी इसके बाद फिर कपड़े बीच में थोड़े करे थे, बाकी कुछ रह गए थे, तो घर के काम भी होते हैं। फिर उसका मैंने खाना बनाना था, तो मैंने बोला मैं अपना शेयर करती हूँ मैं क्या बना रही हूँ। तो मैं बना रही थी आलू बैंगन जी, मैंने ये आलू बैंगन लिए हैं 3 पाव, आधा किलो बैंगन है, उसमें 3 पाव करीब मैंने आलू लिए हैं। बहुत मज़े के लगते हैं ऐसे काट के, इस तरह इसकी डंठल भी डालें इसके बीच में और बनाए, बहुत मज़े के बनते हैं। तो ये आलू बैंगन लिए थे 3 पाव, आधा किलो बैंगन, 3 पाव आलू। उसके लिए हमने टमाटर लिए हैं, 1 प्याज ली, इसको बारीक काट लेंगे, और उसके लिए सौंफ, धनिया और कलौंजी। ये सौंफ धनिया हमने इस इमाम दस्ते में बारीक बारीक कूट लिया है। उसके बाद इसमें नमक, हल्दी और कुटी हुई लाल मिर्च और ज़ीरा और कलौंजी, ये बहुत टेस्टी बनते हैं। आप इतना इस क्वांटिटी में लेना जितना मैंने लिए, इतने ही अगर आप बनाए तो बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत परफेक्ट होते हैं, इसका जायका भी बहुत अच्छा आता है। चले बनाना हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने बॉल हांडी में हमने प्याज डाल दी है, जैसे जैसे मेरी प्याज ब्राउन हो गई, तो ब्राउन लाइट ब्राउन करने के बाद हम इसमें सब चीज़ें टमाटर वगैरह हमने एक साथ ही ऐड कर देना है, इसको अच्छी तरह भूनना है। तो हमने थोड़ी प्याज ब्राउन करी, उसके बाद हमने इसमें टमाटर वगैरह सब ऐड कर दिए करेंगे। अब हम इसके अंदर सब ऐड कर दिए थे, फिर हमने उसके बाद हमने इसको अच्छी तरह भूना। देखें कलौंजी वगैरह का अचार की खुशबू इतनी ज़बरदस्त लगता था, अचार बना रहे हैं अचार की खुशबू थी ना। तो इसको हमने भूना अच्छी तरह, फिर इसमें हम अभी डालेंगे आलू बैंगन, हमें धो के साफ़ करके पानी में भिगो दिए थे, फिर हमने इसके अंदर आलू बैंगन डाले। और गाइस मैं आपको बताती चलो, इसमें पानी आपने सिर्फ आधा गिलास लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है बैंगन, तो आलू को ही गलाना है, बैंगन तो वैसे भी एक भाप में आराम से गल जाते हैं। तो हमने इस तरह रख दिए थे पकने के लिए, देखें माशाल्लाह से कितनी फाइनल, कितनी ज़बरदस्त नाइस लुक आई है, बहुत मज़े के टेस्टी लगते हैं। आप लोग ऐसे बनाइएगा आलू बैगन, आप लोग को यकीनन पसंद आएंगे। वो बताना मुझे किस किस को आलू बैगन पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है, इसी तरह बनाएगा। मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये डिश कैसी लगी, बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, आप लोग बनाएंगे आप लोग को पसंद आएंगे। तो उसके बाद फिर मैंने किचन की सफाई वगैरह करी, मुझे 2:30 बज गए थे, मैंने किचन साफ़ किया, पूरा क्लीन किया, उसकी सफाई करी, डस्टिंग वगैरह थी सब साफ़ करी। उसके बाद फिर मैं कमरे में कमरा साफ़ किया, पायदान वगैरह ये बिछा था इसको हटा के सफाई करी सारी, फिर गेट हम मैंने सीढ़ियों की भी झाड़ू दी। गाइस हमारा फ्रंट का फ्रंट रोड पे घर है, तो इस वजह से डस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इस वजह से रोज़ हमें सफाई करती हूँ मैं, और कपड़े फैलाए हुए थोड़े बहुत वो रह गए थे गीले। उसके बाद फिर देखे दे सारा साफ़ करने के बाद फिर मैंने कमरे की सफाई करी, डस्ट वगैरह साफ़ करी सब कुछ। ये देखें मैंने कपड़े बक्से में सारे तय करके रख दिए थे। उसके बाद पूरा घर साफ़ किया मैंने, 3 बजे तकरीबन 3 बज गए थे मुझे काम में लगे लगे। ये देखें सफ़र लाइट तो आई नहीं थी, अभी मौसम इतना जैसे नॉर्मल है, गर्मी शुरू हो गई है, पता नहीं गर्मियों में क्या होगा जब इतनी लाइट जाएगी। तो ये देखें तो फिर मैंने सारा घर साफ़ किया, पूरा हमारा घर है, ये रूम है और फिर उसके बाद किचन है, यही टोटली हमारा घर है। तो मैंने बोला मैं आप लोगों को अपने साथ आज दोपहर की रूटीन शेयर करती हूँ, दोपहर में मैंने क्या क्या काम किए। वॉशरूम में सामने वो साफ़ कर दिया था, फ्रिज भी आज मैंने सारा साफ़ किया, ये देखे पर्दे वगैरह साफ़ किए। फिर ये देखें फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखो, मुझे दोनों में याद।